अभी इस वक्त जो है लखनऊ पहुंच चुके हैं, क्योंकि लखनऊ में होने वाला है बहुत बड़ा मैच, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वर्ल्ड कप 2023 का। और इस वक्त जो है इंग्लैंड के हालात थोड़े बद से बदतर हो रखे हैं, क्योंकि 9वें पायदान पर है, लेकिन इंडिया आर द फेवरेट्स और ऑब्वियसली हम इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं। और फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंट लेवल एकदम 7वें आसमान पर है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आगे बहुत कुछ आने वाला है, बने रहिए व्लॉग। गाइस फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, और यहां पर आप एटमॉस्फेयर देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, ये देख सकते हो, बहुत शानदार एटमॉस्फेयर है। ये इंग्लैंड के थोड़े बहुत समर्थक है। हाय हाय, अरे कहना क्या चाहते हो। गाइस फाइनली हम एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पर आप जो है माहौल, एटमॉस्फेयर जो है देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट आ रही है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत मजा आ रही है। और यहाँ से जो है विराट कोहली भी देख पा रहे होंगे आप, प्लेयर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर वगैरह। गाइस यहाँ पर जो है हमारे जस्ट आगे जो है जतिन सप्रू सर, मोहम्मद कैफ और रवि शास्त्री जो है कमेंटेटर करते हुए नजर आ रहे हैं, कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए गाइस, फैंस जो है धीरे धीरे अराइव हो रहे हैं, और अभी तक जो है स्टेडियम फुल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फुल हो जाएगा स्टेडियम। अरे जस्ट आगे जो है विराट कोहली सर जो है प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, और यहाँ पर एटमोसफियर की तो बात ये लगे गाइस, देखो गाइस ये है पूरा खाना स्टेडियम VIP। और गाइस एक्साइटमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच देखने आना एक बहुत बड़ी बात है। किंग कोहली सर प्रैक्टिस कर, मैच स्टार्ट हो चुका है, टीम इंडिया है बॉल द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और यहाँ पर जो है आप देखते हैं कितने रन बनते हैं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो है आपको ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं, आप पीछे मुझे देख पा रहे हो, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है गाइस, देख पा रहे हो। यहाँ पर अर्जित जैन है जिनका यूट्यूब चैनल है, ये भी इनका भी ब्लॉग आने वाला है, जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कितने रन बनेंगे इंडिया 380 मार सकती है, 380 विराट कोहली सेंचुरी, विराट की तो नहीं पता लेकिन रोहित शर्मा की सेंचुरी, रोहित शर्मा का लग रहा है मुझे भी, और KL राहुल भी बहुत अच्छा खेल सकते, विराट मारे सेंचुरी तो अच्छा लगेगा। देखते हैं गाइस विराट के लिए हम भी आए हैं, और हम तो भारतीय टीम जो है मतलब वर्ल्ड कप जीत जाए इसलिए ही आए हैं। तो गाइस फाइनली रोहित शर्मा की क्रूशियल इनिंग जो है समाप्त हो चुकी है, बहुत अच्छा खेले हैं, और ये देख सकते हो आप, देखते हैं इंडिया का स्कोर जो है क्या होता है। फाइनली बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी नॉक खेली रोहित शर्मा ने। गाइस यहां पर इनिंग्स ब्रेक हो चुकी है, और देखा जाए तो फाइटिंग टोटल है गाइस, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि अभी हार ही जाएगी इंडियन टीम, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इंडियन टीम ने काफ़ी अच्छा स्कोर जो है यहां पर खड़ा कर दिया है, और फाइटिंग कर सकती है बुमराह, सिराज और मोहम्मद शमी जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं इंग्लैंड पर। अब आपको क्या लगता है बता सकते हो फटाफट से।
बॉक्स ऑल अराउंड। फाइनली इंडियन टीम जो है मैच को जीत चुकी है और इतिहास रच दिया है। इतने लो स्कोरिंग के बावजूद भी इंडियन टीम ने कमाल कर दिया है गाइस, मजा आ गया गाइस। ब्लॉग के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी मैच सुपर स्टेडियम के बाहर आ रहे हैं और इंडिया जो है इस मैच को जीत चुकी है। हिस्ट्री क्रिएटेड इन लखनऊ और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी गाइस, क्योंकि 230 रन में मतलब डिफेंड करना था और कर दिखाया हमारे भारतीय जाबाजों ने, हमारे गेंदबाजों ने जो है करके दिखाया था। और पूरे टूर्नामेंट में इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती है और हिस्ट्री क्रिएटेड इतिहास रचने के थोड़े ही कदम दूर है और सेमीफाइनल में जो है मतलब क्वालिफाई हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में और जहां भी जाएंगे फटाफट से ब्लॉग बनाएंगे। लाइक और शेयर करना, चैनल पे नया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बाद आगे बढ़ो।